नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुराचार के आरोप में अमरावती का सराफा व्यवसायी गिरफ्तार। MBA की छात्रा से 2 वर्षों तक दुराचार का है आरोप। राजापेट के बजरंग टेकड़ी झोपड़पट्टी पर चला मनपा अतिक्रमण का गजराज। अनेकों परिवार हुए बेघर। नुकसानग्रस्त संतरे की फसल का अहवाल देने पटवारी ने मांगी 10,000 रुपए की रिश्वत। शिरसगांव कस्बा के किसान नाजिम बेग का है आरोप। भातकुली तहसील के ग्राम गनोजा देवी में कुएं सफाई के दौरान दम घुटने से 2 की मौत, 2 घायल। शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर चाकू से प्राणघातक हमला। घायलों का इरविन में उपचार जारी। और साइंस कोर मैदान में धूम से हुआ उत्सव मेले का शुभारंभ। 2 महीनों तक चलेगा अमरावती उत्सव मेला। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर 2 शराबियों ने किया 17 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला। घायल का इरविन में उपचार जारी। 2 शराबी युवकों द्वारा शराब पीने के लिए मांगे गए पैसों का विरोध करने वाले तपोवन निवासी युवक पर चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल युवक का नाम कलश उइके बताया गया है। जानकारी के अनुसार तपोवन निवासी कलश उइके अपने दोस्तों के साथ रामनगर बगीचे के पास चाइनीज खाने गया था, जहां ऋतिक करड़े एवं अनिरुद्ध वानखड़े नामक युवक पहुंचते ही इन दोनों ने कलश से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करते ही कलश पर चाकू से हमला कर दिया गया, परंतु कलश ने चाकू के वार हाथों से रोकने के दौरान उसके हाथों पर 4 से 5 वार कर लहूलुहान कर दिया। तात्काल घायल कलश को इरविन में भर्ती कराया गया, जबकि दोनों हमलावर वहां से फरार हो गए। मामले की शिकायत फेजरपुरा थाने में की गई है। हिंगनघाट से अमरावती आ रही बस की चपेट में आकर दुपहिया सवार हुआ दुर्घटनाग्रस्त। मामला फेजरपुरा थाने में दर्ज। फेजरपुरा थाना क्षेत्र के कांग्रेस नगर रोड स्थित ऑक्सीजन पार्क के पास शुक्रवार की दोपहर राज्य परिवहन की एक बस की टक्कर में दुपहिया चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि राज्य परिवहन की बस क्रमांक MH14 BT4678 के चालक ने दुपहिया सवार कुलदीप सरकार को टक्कर मार दी, जिसमें कुलदीप जख्मी हो गया। कांग्रेस नगर के जवळ मला अचानक बाइक वाले दिसले जोराने येताना। फास्ट येताना इतके फास्ट होते, ते भरपूर फास्ट होते, 2 जण होते। आणि जसे दिसले मी तसेच इमर्जन्सी ब्रेक केले, माझ्या उभ्या गाडीले त्यांनी धडक दिली। तसेच मी उतरलो खाली असता, तसं मला तो एक खाली पडला आणि मी तसं 108 फोन लावला। जखमी कुलदीप का उपचार जिला सामान्य अस्पताल में जारी है। यह बस हिंगनघाट से अमरावती आ रही थी। मामला फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज किया गया है। क्या घटना हुई बस में? घटना ये हुई कि मैं सामने की सीट में बैठा हुआ था, बस सीधा जा रही थी तो गाड़ी वाले वो साइड से आ रहे थे, और जैसा गाड़ी वालों ने बस को देखे तो बस गाड़ी वाला घबरा गया, तो सीधा आड़ी आ गया। आड़ा आके बस रुक गई, बस को ने मारा और रोड पे जाके गिर गया। तो वो ज़्यादा गंभीर जख्मी हुआ क्या? नहीं, वो व्यवस्था लेकिन बलड वगैरह किसके नहीं गया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मार के गाड़ी रोक दिया, गाड़ी को उसने आके ठोस मारा और वो खुद जाके गिर गया। विवाह तय करने के बहाने MBA में शिक्षारत छात्रा को
शिरडी ले जाकर जबरन दुराचार के आरोप में अमरावती के सराफा व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का मोबाइल भी किया गया जब्त। अमरावती जिले के एक तहसील से शहर में MBA की शिक्षण ग्रहण करने आई युवती के परिजनों से आत्मीयता बढ़ाते हुए पहले युवती के परिजनों का विश्वास जीता और फिर उसी युवती का विवाह किसी अच्छे परिवार में तय करने का झांसा देते हुए वर दिखाने के बहाने शिरडी ले जाकर वहां के एक लॉज में जबरन दुराचार करने की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता के अनुसार उसकी नग्न तस्वीरें खींचकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया। समय समय पर उसके लिए योग्य वर दिखाने के बहाने जहां शिरडी स्थित एक लॉज में हवस का शिकार बनाया गया, तो वहीं इस आरोपी द्वारा पीड़िता का विवाह संबंध भी वर पक्ष को दी गई ऐसी जानकारी के चलते टूट चुका है। इस घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम नरेंद्र विठल गोहे नामक युवक की स्थानीय सराफा बाजार में साई ज्वेलर्स नामक दुकान है, जो रविनगर का निवासी बताया जाता है। आरोपी नरेंद्र के घर पीड़िता किराए से रहते हुए MBA की शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इस दौरान एक बार पीड़िता को अपनी फीस के लिए पैसे कम पड़ने पर उसे आरोपी ने पैसे देकर अपनी सहानुभूति हासिल की। तभी से दोनों का परिचय बढ़ गया। इस दौरान पीड़िता के परिजनों से आरोपी नरेंद्र गोहे ने मुलाकात की तो बातों ही बातों में पीड़िता के परिजनों ने आरोपी नरेंद्र को कहा था कि उनकी बेटी का विवाह करना है। चूंकि पीड़िता और आरोपी एक ही समाज से जुड़े होने के चलते आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को विश्वास दिलाया था कि वह उनकी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश कर विवाह तय करने में मदद करेगा। तभी से दोनों पीड़िता एवं आरोपी के बीच घनिष्ठ संबंध बन चुके थे। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी नरेंद्र ने पीड़िता को उसके लिए वर दिखाने और विवाह संबंधी बात आगे बढ़ाने का झांसा देकर शिरडी ले गया। यह घटना विगत 2011 की है। यहाँ की एक लॉज में ठहरने के दौरान आरोपी नरेंद्र गोहे ने पीड़िता को धमकाते हुए कहा था कि वह उसका विवाह जोड़ सकता है तो तोड़ भी सकता है, और ऐसा कहकर जबरन दुराचार की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वह लगातार धमकाते हुए ऐसी वारदात को अंजाम देता रहा। पीड़िता की शिकायत के अनुसार नरेंद्र गोहे उसे उसके मोबाइल पर फोन कर उसकी अश्लील तथा नग्न तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर जबरन दुराचार करता रहा। नरेंद्र इतना शातिर दिमाग है कि वह स्वयं पीड़िता के लिए वर तलाशता, उन्हें पीड़िता के परिजनों से मिलाता और फिर उन्हें पीड़िता से जुड़ी जानकारी देता। ऐसे में ही पीड़िता का उसके परिजनों द्वारा तय किया गया विवाह भी नरेंद्र की वजह से टूटने की बात पीड़िता ने अपनी शिकायत में कही है। पानी सिर से ऊपर चढ़ता देख आखिर पीड़िता ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में रहने चली आई। तो आरोपी ने ईमेल के जरिए पीड़िता को अश्लील मैसेज करना और धमकाना प्रारंभ किया। इस परेशानी से त्रस्त होकर पीड़िता ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, लेकिन हिम्मत करके उसने अपने परिजनों के साथ फ्रेजरपुरा थाने में अपनी आपबीती दर्ज कराई, जिसके बाद बीते गुरुवार की रात ही आरोपी नरेंद्र विठल गोहे को उसके रविनगर स्थित मकान से गिरफ्तार किया गया, जिस पर दफा 376, 417, 506 तथा IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी नरेंद्र को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे शिरडी पुलिस को सौंपा जाएगा। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार आसाराम चोरुमले के मार्गदर्शन में उनकी टीम ने की है। शिरसगांव कस्बा के नाजिम बेग नामक किसान ने जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में एक पटवारी पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पहले से ही नैसर्गिक आपदा का सामना कर रहे किसानों को कुछ सरकारी अफसर अब फसल बर्बादी की जांच अहवाल हेतु 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का सनसनीखेज आरोप शिरसगांव कस्बा के निवासी नाजिम बेग द्वारा यहां के पटवारी पर लगाया गया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि विगत फरवरी माह में हुई गारपीट के दौरान नाजिम बेग के खेत में गेहूं एवं संतरे की फसल लगाई गई थी, जिसमें संतरे पेड़ 8 वर्षों के हो चुके थे। नाजिम बेग का कहना है कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि में गेहूं एवं संतरे की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन पटवारी ने अपने अहवाल में सिर्फ गेहूं का नुकसान बताया, जबकि संतरे की फसल बर्बादी को बताने के लिए पटवारी की ओर से 10,000 रुपए की मांग किए जाने का आरोप नाजिम बेग के निवेदन के जरिए किया गया है। नाजिम बेग का आरोप है कि पटवारी काजी ने जरूरतमंद लाभार्थियों के बजाय साठगांठ का गैर जरूरतमंदों को लाभार्थी बताया है, जिसके तहत पटवारी काजी पर फौजदारी अपराध दर्ज कर उन्हें निलंबित करने की मांग की है। तालुक का सिरसगांव कस्बा के काश्तकार हूँ।
जिस काजी मैडम हमारे गांव की पटवारन है, वो मैडम ने 2016 में 5 साल के झाड़ दिए, 2018 में 7 साल के झाड़ दिए, कार पीटी के टाइम में हमारे झाड़ गाड़ कर दिए, यानी झाड़ नहीं बताए। उसका कारण ये कि उन्होंने हमसे कहा 10,000 रुपये दो तो आपके झाड़ बताए जाएंगे, नहीं तो नहीं बताए जाएंगे। हमने पैसा ना देने से इनकार किया तो झाड़ गायब कर दिए। और उनका जो शोहर है काजी, वो सारा कारोबार संभालता है, भ्रष्टाचार दुनिया भर का भरा हुआ है और बाकी पूरी जनता को तकलीफ है, पूरी एरिया को तकलीफ है। इसका सर्वे करके आप जनता को न्याय दिलाइए और जनता के साथ में अच्छा सुलूक कीजिए। राजापेट क्षेत्र के बजरंग टेकड़ी निवासियों के अतिक्रमण ग्रस्त मकानों पर चला गजराज, घटनास्थल पर मची भगदड़, खुले आसमान के नीचे रहने को अनेकों परिवार मजबूर, एक तरफ मनपा के लाखों रुपए बकाया पड़े हैं कई लोगों के तरफ। मनपा अतिक्रमण का गजराज शुक्रवार को राजापेट क्षेत्र के बजरंग टेकड़ी पहुंचते ही यहां के निवासियों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बजरंग टेकड़ी परिसर को झोपड़पट्टी घोषित किया गया है, जिसके तहत इन झोपड़पट्टी वासियों को मनपा टैक्स लागू कर सभी जन सुविधाएं प्रारंभ की गई है। इसके बावजूद इन परिवारों के मकानों पर शुक्रवार को मनपा अतिक्रमण का गजराज चलाया गया। इस दौरान यहां के अनेक परिवारों के आंखों से आंसू निकल पड़े तो कुछ खुले आसमान के नीचे कैसे गुजारा होगा यह कहते देखे गए। इस घटना के बाद निराश्रित परिवारों के सदस्य मनपा मुख्यालय पहुंचे तो कुछ जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, लेकिन इन लोगों को निराशा ही हाथ लगी। हमारे को रहने के लिए जगह नहीं है तो हम यहीं पर रहते हैं, महानगर पालिका में नीचे सोते हैं। ये बोले हमारे को टैक्स लगा दिए, ये घर कुल का ये बना दिया, अब हम काम नहीं करेंगे। नाम डाले जिसने करवाया, हमारे को सब हमारा है, जिसने कंप्लेंट की हमारे नाम। जिन परिवारों के मकान अतिक्रमण कार्रवाई में तोड़े गए हैं उनमें राजेश दुबे, देवेंद्र पांडे, बालचंद्र मिश्रा, अशोक माहुलकर, योगेश काकड़े का समावेश बताया गया है। मैं राजेश दुबे, राजापेट बजरंग टेकड़ी, वहाँ मैं रहता था। तो मेरे को कल एक बजे ये आके बोले कि भाई कल हम तुम्हारा घर गिरा देंगे, और 10 बजे आके इन लोगों ने कौन आया था, कुटर मारे साहब आए थे, कम से कम 100-150 जन थे उनके साथ में 100-150 जन थे। हमारे को हम खोलने का भी मौका नहीं दिए और कुछ भी नहीं दिए, हमारे बाल बच्चे हम कहाँ जाएंगे, हम रोड पे आ गए। हमारे पूरा टीन ट्रेन बल्ली सब घोषित झोपड़पट्टी है वो। अपनी प्रलंबित बकाया मानदेय को लेकर पिछले 10 दिनों से चली आ रही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई शुक्रवार को, ऑपरेशन हुए प्रारंभ। विदर्भ के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपने मानदेय पर कार्यरत सर्जन डॉक्टरों ने प्रलंबित मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पुकारी थी। अकोला के स्वास्थ्य उपसंचालक डॉक्टर पवार, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम की उपस्थिति में सर्जन डॉक्टरों से चर्चा की गई। स्वास्थ्य उपसंचालक ने लिखित आश्वासन दिया, जिसके आधार पर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हुए सुपर स्पेशलिटी में स्वास्थ्य की सेवा शुरू की है। प्रलंबित मानदेय व मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यरत सर्जन डॉक्टरों ने 10 अप्रैल से हड़ताल शुरू की थी, जिसके कारण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए दाखिल होने वाले मरीजों को सीधे नागपुर रेफर किया जा रहा था। हड़ताल के कारण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा संपूर्णतः खड़बड़ा उठी थी। इस विषय को लेकर अकोला के स्वास्थ्य उपसंचालक डॉक्टर पवार की अध्यक्षता में हड़ताल पुकारने वाले सर्जन डॉक्टरों के साथ जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने एक बैठक ली। इस बैठक में स्वास्थ्य उपसंचालक ने लिखित स्वरूप में आश्वासन दिया कि फरवरी माह तक का बकाया मानदेय सोमवार 23 फरवरी तक अदा कर दिया जाएगा। इस आश्वासन पर हड़ताल समाप्त की गई। अन्य मांगों के संदर्भ में आगामी 3 माह में फैसला लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया गया। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। शहर में इन दिनों घरफोड़ी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। राजापेट थाना क्षेत्र के अश्विनी कॉलोनी में फिर घरफोड़ी का एक मामला सामने आया, जिसमें लाखों के माल पर हाथ साफ किया गया। राजापेट पुलिस थाना चोरों की निशानी पर होने के समाचार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों की एक टोली ने बुधवार को अश्विनी कॉलोनी स्थित एक मकान में सेंध लगाकर दिन दहाड़े 1,83,000 रुपए मूल्य के 73 ग्राम सोने के जेवर अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर चुरा लिए। राजापेट पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रकाश नारायण राव तिड़के अपने परिवार के साथ बुधवार की सुबह 11 बजे मकान को ताला लगाकर अक्षय तृतीया की पूजा करने के लिए बडनेरा गए थे। पूजा निपटने के बाद तिड़के शाम 5 बजे जब अपने घर लौटे, तब उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी में रखे दो मंगलसूत्र, झुमके, चेन, ऐसा कुल 1,83,000 रुपये का 73 ग्राम सोने का जेवर गायब थे। चोरी का संदेह होते ही तिड़के ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। राजापेट पुलिस अपराध शाखा की टीम घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए गए। खोजी श्वान की भी मदद ली गई। पुलिस ने चोरों की तलाश में जुट चुकी है। अमरावती के समीप भातकुली तहसील के ग्राम गनोजा देवी में वर्षों से बंद पड़े कुएं की सफाई के दौरान 4 युवक हुए बेहोश। उपचार दौरान 2 की इरविन में मौत हो गई। समीपस्थ भातकुली के ग्राम गनोजा देवी परिसर में शुक्रवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां के एक बंद पड़े कुएं में सफाई के दौरान 4 युवक बेहोश होकर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि कुआं सफाई के लिए इसमें से पानी निकालने हेतु डीजल से चलने वाली मशीन प्रारंभ की गई थी, जिससे निकले धुएं की घुटन से चारों कुएं में बेहोश होकर गिर पड़े। इन युवकों के नाम अविनाश बिजवे, ओंकार वानखड़े, राजू खेड़कर, दीनानाथ बिजवे बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भातकुली थाना क्षेत्र के ग्राम गनोजा देवी परिसर के सरकारी जगह पर एक बड़ा कुआं है, जो विगत कई वर्षों से बिना उपयोग के चलते कचरे से भरा पड़ा है। लेकिन इन दिनों जल की किल्लत के चलते यहाँ के लोगों ने चंदा एकत्रित कर कुएं की सफाई योजना बनाई और तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को इस कुएं में अविनाश बिजवे, ओंकार अवधूत, दीनानाथ बिजवे तथा राजू खेड़कर उतरे। इसी बीच डीजल के कुएं से हो रही घुटन की वजह से चारों बेहोश होकर कुएं में गिर पड़े। तत्काल पुलिस एवं लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और इरविन में भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान अविनाश बिजवे तथा ओंकार खेड़कर की मौत हो गई। नैसर्गिक विपदा के चलते इस वर्ष आम की पैदावार में कमी आई है। शहर में भी आम की कम आवक की वजह से आम अब खास हो गया है। ग्रीष्मकाल शुरू होते ही फलों के राजा आम का स्वाद चखने के लिए सभी आतुर रहते हैं। बाजार में विविध प्रकार के आम भी उपलब्ध रहते हैं। इस वर्ष परिस्थिति विपरीत दिखाई दे रही है। फलों के राजा की आवक घटने से स्वाद महंगा हुआ है। दूसरी ओर पेटी में भरकर कच्चे आम पकाए जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पैदावार कम रहने से आवक कम हो रही है, ऐसा व्यवसायियों का कहना है। गत वर्ष देवगढ़ रत्नागिरी का हापुस आम एक पेटी 2000 रुपए में उपलब्ध हुआ था। एक पेटी में करीब 7 दर्जन आम रहते थे। इस बार हापुस का दाम दुगना दिखाई दे रहा है। 4000 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से हापुस की बिक्री हो रही है, जिसके कारण आम का स्वाद चखने वालों को अपनी जीभ पर काबू करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष फल मंडी में जहां तहां आम ही आम दिखाई दे रहे थे। आम की महक से मंडी गुलजार हो उठी थी, लेकिन इस वर्ष मंडी में काफी कम स्थानों पर आम दिखाई दे रहे हैं।
गत वर्ष अप्रैल माह में दो गाड़ियों की आवक प्रतिदिन हो रही थी, इस बार दो दिन के आड़ में एक गाड़ी मंडी में आ रही है। जनवरी फरवरी माह में अकाली बारिश व ओलावृष्टि का भारी फटका आम की फसल को लगा, जिसके कारण इस बार आम की आवक कम हुई है। आवक कम होने से दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले वर्ष हापुस आम की आवक बड़े प्रमाण में थी, इस वर्ष हापुस आम की आवक बहुत ही कम है। दो से तीन दिनों के कालावधि में इस बार दो से चार पेटी हापुस आम बाजार में आ रहे हैं। हापुस आम की मांग की तुलना में आवक कम रहने से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। फल व्यवसायियों का कहना है कि यह परिस्थिति और कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगी। ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो उत्तर भारत से आने वाले आमों का इंतजार करना पड़ेगा। गत वर्ष बैगन फल्ली आम रिटेल में 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। इस बार गावरानी आम भी महंगे दिखाई दे रहे हैं। 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह आम उपलब्ध है। आंध्रा का हापुस रत्नागिरी के हापुस की तरह जायकेदार न रहने के बावजूद दाम 200 रुपए किलो है। वर्तमान में कच्चे आम बुलाकर उसे पेटी में पकाया जा रहा है। जिले एवं शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि शहर में पुलिस प्रशासन है ही नहीं। क्यों बेखौफ होकर घूमते हैं गुनहगार? क्यों खोले जाते हैं हर रोज वर्ली मटके के अड्डे? क्यों जुगारी पकड़े जाते हैं? बावजूद इसके गुनहगारों पर पुलिस प्रशासन का कोई रौब रहा ही नहीं। शहर पुलिस आयुक्तालय में आने वाले फ्रेजरपुरा, गाड़गे नगर, कोतवाली, नागपुरी गेट, वलगांव सहित राजापेट, भातकुली, खोलापुरी गेट, बडनेरा एवं नांदगांव पेट परिसर में अवैध धंधों की बाढ़ आ गई है। अवैध शराब बिक्री एवं वर्ली मटका जैसे व्यवसाय इन दो वर्षों में बढ़ गए हैं। शहर के युवा वर्ली और सट्टे की मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने बीते सप्ताह से वर्ली मटका अड्डों पर छापेमारी शुरू की, जिसमें लाखों का माल और दर्जनों आरोपी पकड़े गए, लेकिन इस बार अड्डा चलाने वाले को भी आरोपी बनाया गया। यह विशेष एक्टिव पुलिसिंग पर विश्वास रखने वाले पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक का अपने मातहतों पर खासा दबाव नहीं नजर आ रहा है। हर माह थानेदारों की बैठक लेकर थाना क्षेत्र से अवैध धंधे बंद कराने की सख्त हिदायत देने के बाद भी यहाँ खुले आम अड्डे चल रहे हैं। इन पर आशीर्वाद किसका है, यह चिंतन का विषय है। अवैध धंधों पर छापेमारी कर कार्यवाही करना यह पुलिस ड्यूटी का भाग है, लेकिन पुलिस में रहकर अवैध धंधों को पनाह देने वालों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों तक हर थाना क्षेत्र के अवैध धंधे की परिस्थिति का ब्यौरा रहता है। अवैध अड्डों की कार्यप्रणाली देखकर ही पूरे दलबल के साथ छापेमारी की जाती है, लेकिन यह अभियान मात्र सप्ताह भर या दो सप्ताह रहता है, फिर अवैध धंधे की अनुमति के लिए ज़्यादा रसद देनी पड़ती है। भूतपूर्व पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के कार्यकाल में अमरावती शहर को अवैध धंधों से मुक्त किया गया था, जिसके चलते अपराधों में भारी कमी आई थी। इसी वजह से आज भी जनता अमितेश कुमार का नाम बड़े आदर भाव से लेती है। अवैध धंधे शुरू रहने से आपराधिक गतिविधियां बढ़ चुकी है। पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित द्वारा अवैध धंधों के खिलाफ अभियान छेड़ने के बावजूद रोजाना नए नए अड्डों का रहस्य खुल रहा है। अवैध व्यवसायियों के मन में पुलिस का खौफ ना रहने से यह गोरख धंधा शुरू है। VCN न्यूज ने IPL के चलते सटोड़ी बाजार गर्म रहने की खबर कई बार चलाने के बावजूद आज तक सटोड़ी बाजार की तरफ पुलिस का अच्छा खासा ध्यान नहीं जा रहा है। यह यूं कहना ज्यादा बेहतर साबित होगा, पुलिस को सब कुछ मालूम रहने के बावजूद पुलिस अनसुनी करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला महिला आघाड़ी की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा, एक अध्यक्ष सहित 15 उपाध्यक्ष और 24 सदस्यों का है समावेश, आज हुई पत्रवार्ता में दी गई जानकारी। जैसे जैसे राज्य विधानसभा की सरगर्मियां तेज होने लगी तो सत्ता पक्ष भी अपनी स्थिति और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। शहर ही नहीं बल्कि जिले में भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भाजपा की ओर से जिला महिला आघाड़ी की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा शुक्रवार को पत्रकार परिषद के दौरान की गई। बताया गया है कि इस जंबो कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष, 11 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 10 सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक कार्यालयीन मंत्री, जबकि कार्यकारिणी में 24 महिलाओं को सदस्य बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आता नव्याने महिला आघाड़ी घोषणा आजच्या 10 जानेवारीला घेण्यात आलेली होती। तर मी भारतीय जनता पार्टीची महिला आघाडीची अध्यक्ष म्हणून 2 महिन्यामध्ये पहिले जिल्हा दौरा करून
या जिल्ह्यातून सर्व ऍक्टिव्ह महिला आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या सर्व भावना लक्षात घेता या कार्यकारिणीची घोषणा आजच्या तारखेत म्हणजे 20/4/2018 रोजी पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आलेली आहे आणि यानंतर आम्ही सगळ्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये महिला संघटन कसं वाढेल याकडे आणि महिला उद्योगाला त्यांच्या हाताला काम कसं मिळेल या सर्व गोष्टीकडे गांभीर्याने घेऊ आणि महिलांवरचे अत्याचार तुम्ही आता जे म्हटलं त्याच्या त्या अत्याचारावर आम्ही कुठेतरी योग्य असा तोडगा आणि त्यांना वेग त्या अन्यायाला त्यांना न्याय मिळेल अशा सर्व संघटनात्मक गोष्टी या आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये तुमच्यासमोर मांडते आहे आणि सगळ्यांना न्याय मिळेल अशी सगळ्यांकडून महिलांकडून संघटनात्मक दृष्टीने वाढ करून ही घोषणा जाहीर करते। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय साइंस कॉर मैदान में अमरावती उत्सव मेले का हुआ शुभारंभ। पहले ही दिन उमड़ी भीड़। गर्मियों की छुट्टी लगने के साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए नए विदेशी झूलों एवं लजीज व्यंजनों के साथ साइंस कॉर मैदान पर 20 अप्रैल से उत्सव मेला का आयोजन किया गया। उद्घाटन 20 अप्रैल की शाम 5 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए 5 वर्षीय बालिका के हाथों किया गया। हाजी यूसुफ मेवेवाला की ओर से हर वर्ष शहरवासियों की सेवा में उत्सव मेला लगाया जाता है। इस वर्ष भी मौज मस्ती एवं धूम धड़ाके के साथ बच्चों में नया जोश भरने में उत्सव मेले का आयोजन किया गया है। 2 माह तक चलने वाले इस मेले में अमरावती शहर में पहली बार रेंजर झूला, टोरा टोरा, ऑक्टोपस झूला जैसे नए विदेशी झूलों के साथ मौत का कुआ, आकाश झूला, जॉइंट व्हील, अप एंड डाउन समेत नए झूले यहाँ मौजूद है। वही महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी गिफ्ट आइटम की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चाइनीज फूड की भी व्यवस्था है। आज तारीख 20 अप्रैल को हमारे अमरावती उत्सव मेले का शुभारंभ रखा गया है और हमारे इस मेले के अंदर में खासतौर पर बच्चों को मनोरंजन के लिए छोटे बड़े झूले लगाए गए हैं। उसके साथ ही साथ बड़े लोगों के मनोरंजन के लिए रेंजर झूला लगाया गया है जिसे हमारे अमरावती वासी हथौड़े के नाम से जानते हैं। ये झूला पहली बार अमरावती शहर में लगा है और उसी के साथों साथ जैसा टोरा टोरा झूला है, चांदारा झूला है, ड्रैगन ट्रेन है, ब्रेक डांस झूला है, आकाश झूला है, सभी झूलों की भरपूर वैरायटियों के साथ में आज हमारे इस मेले का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक शाम में 6 बजे एक छोटी बच्ची के हाथों से उद्घाटन करके इस मेले का हम लोग आज शुभारम्भ करेंगे। कितने दिनों तक रहेगा ये मेला अमरावती? ये मेला 31 मई तक के चालू रहेगा। अमरावती वासियों के मनोरंजन के लिए ये मेला 31 मई तक के चालू रहेगा। जिला एवं सत्र न्यायालय की नई इमारत में वकीलों के बैठने का मामला उद्घाटन के 1.5 माह बाद भी नहीं सुलझ पाया है। वकीलों के बैठने की समस्या के अलावा पक्षकारों के लिए आवागमन की असुविधा, वकीलों के वाहनों की पार्किंग एवं इमारत की रचना पर वकीलों को आपत्ति है। न्यायालय प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद यह समस्या हल नहीं होने पर जिला वकील संघ ने आगामी रविवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में असहयोग करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को वकील संघ की फाइनल मीटिंग हुई और वकीलों की समस्या निवारण करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गुरुवार को हुई वकीलों की बैठक में नई इमारत की समस्याओं से जूझ रहे वकीलों ने 22 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में असहयोग करने का निर्णय लिया। बैठक में गठित समिति में वकील संघ के अध्यक्ष तथा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट नितिन कोल्हटकर उपस्थित थे। इस बैठक में एडवोकेट सुनील देशमुख ने कहा कि वकीलों के 4-व्हीलर पार्किंग के लिए जिलाधीश कार्यालय के सामने जगह दी गई है। वहां से कड़ी धूप में वकीलों को अपनी फाइलें हाथ में लेकर 27 सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ेगा। नई इमारत में सीढ़ियों से सटे 2 द्वार भी बंद रखे गए हैं। यह द्वार खुलते रहते तो लिफ्ट से जाना संभव था, इसलिए इन समस्याओं का हल निकालना जरूरी है। वाशिम जिले के कारंजा लाड़ में भगवान परशुराम जयंती निमित्त निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली। 18 अप्रैल की रोज सुबह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ एवं ब्राह्मण सभा कारंजा की ओर से भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस आयोजन की शुरुआत एक सजे धजे वाहन पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा विराजमान की गई थी। सुबह इस रैली की शुरुआत कारंजा के प्रसिद्ध गुरु मंदिर से हुई। गुरु मंदिर संस्थान के अध्यक्ष दादा खेड़कर के हाथों भगवान परशुराम की पूजन विधि के बाद
इस रैली को हरी झंडी दिखाई गई। गुरु मंदिर चौक से शुरू हुई यह रैली पुलिस स्टेशन के पास से होकर बड़ा राम मंदिर होते हुए शिवाजी चौक में पहुंची, जहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन किया गया। बाद में सीधे मेन रोड होते हुए यह मोटरसाइकिल रैली का समापन श्री गुरु मंदिर सभागृह में किया गया। कारंजा नगर परिषद के पार्षद प्रसन्न पळसकर एवं ब्राह्मण सभा अध्यक्ष नंदू जोशी, डॉक्टर सुशील देशपांडे, शेखर देशपांडे, आनंद खेड़कर, अभय खेड़कर, मंदार पटवर्धन, हेमंत जोशी, निलेश घुड़े, राजू खेड़कर, मोहन तांबोलकर आदि ने इस मोटरसाइकिल रैली को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए। हमारे कारंजा लाड संवाददाता अक्षय लोटे एवं शकील शेख की रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।